है थोड़ा, उसके बाद मैं जाऊंगी पढ़ने 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 पढ़ने। कबाड़ी 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 कबाड़ी, कभी इधर कबाड़ी कभी उधर कबाड़ी। और अभी टाइम हो रहे अभी इतने इतने रहा है। हाँ और ये रहा हमारा, अभी चलते हैं काम करने। मम्मी जल्दी शाम को साड़ी दीजिए, कुछ भी बिछाने कर दीजिए, मैं इधर बिछाऊंगी ये गंदा भी, आप इसको धो देना। फटी वाली बेडशीट कहाँ गई? अरे वो सिंगल वाला नहीं, पहले वाला काला वाला पता नहीं सारा गायब हो गया लगता है, बक्सा में डाल। ये रहा काला बेडशीट, देखते हैं कैसे फटा हुआ है ना। और गाइस मुझे हो गया सर्दी एकदम, ये देख देख सकते हैं पुराना बेडशीट यहाँ रखा हुआ है। अरे तो देख सकते हैं गाइस, मम्मी और मैया पूरा डेकोरेट करके पूरे अच्छे तरीके से बिस्तर को सजा दी है। तो देख सकते हैं हमारा रॉकी सो रहा है यहाँ पर, और एक जन तो बाहर है और मैं बाहर में खाना चढ़ाई हूँ, और इस समय बज रहे हैं 1:30। और तो मैं रोज़ सोचती हूँ कि गेहूँ को धोऊंगी, और धोने के रोज सोचने सोचते सोचते बस सोचते रह जाती हूँ और धोती भी नहीं हूँ। तो आज हम सोचे कि धो ही डालते हैं, एक दिन या दो दिन या तीन दिन, सूखेगा तो सूख ही जाएगा, धोने के बाद तो सूखवे करेगा, इसीलिए आज धो ही लेते हैं। तो बने रहेंगे हमारे ब्लॉग के साथ, अभी मैं चलती हूँ गेहूँ धोने। तो चलते हैं, कैमरा को सेट कर देते हैं यहाँ पर, तो गाइस मम्मी अभी डाल रही है गेहूं को दूसरा पानी में, ये वाला। फिर मम्मी यहाँ से दूसरे बाल्टी से निकाल के टोकरी में डाल दे रही है पानी झड़ने के लिए। गेहूं के कचरे इतने सारे निकले और मैं तो गेहूं धो ली, और ये पानी काला हो गया था ना, इसीलिए मैं बदल दी बाल्टी, यहाँ का पानी फेंक के इसमें फिर फ्रेश पानी, फ्रेश क्या होता है। और ये मेरा गेहूं धुल गया, बहुत सुंदर हो गया, ये एकदम कंकड़ पत्थर कचरा सारा चीज निकल गया, कंकड़ पत्थर तो नहीं था, बस जो था सो दिख ही रहा है। हो गया मेरा गेहूं धोना।